أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Dear students, Assalamu alaikum. This is the last chapter. We have already discussed it in short, but now we will discuss it in detail with the continuing our revision of the our syllabi that has been completed. अज़ीज़ तलबा व तलबात, प्रेसी क्या है, प्रेसी के क्या मानी हैं, प्रेसी का कॉन्सेप्ट क्या है, प्रेसी के क्या फ़वाद हैं, इस पर मुख्तसर तौर पर हम पहले ही बात कर चुके हैं तीन मुख्तलिफ हिस्सों में. हम इसको एक दो दिन में मज़ीद एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, चूँकि ये एक अहम इम्तहानी सवाल है और प्रैक्टिकली आपको ये करना है. जैसे कि आप पैराफ्रेजिंग जो है वो प्रैक्टिकल काम है, इसी तरह ये प्रेसी राइटिंग जो है ये भी एक प्रैक्टिकल वर्क है जो आपको जो है वो कॉम्प्रिहेंशन की मानत. ये तीन चार ऐसे हिस्से हैं बेटे जो कंपोजिशन से तल्लक रखते हैं, जैसे ऐसे राइटिंग भी इसी का हिस्सा है. तो राइटिंग स्किल्स में ये हमारे लिए एक अहम पोर्शन है. ये अमूमी तौर पर इसके जो मिसकंसेप्शंस हैं उनको हम दूर करेंगे जो बच्चों के जहन में हैं. तो आइए आज हम इसके क्लेरिफिकेशन जो है वो देखते हैं कि ये प्रेसी है क्या. डियर स्टूडेंट्स, वी हैव ऑलरेडी नोटेड दैट अ प्रेसी इज़ अ क्लियर कंसाइज ऑर्डरली समरी ऑफ द कंटेंट्स ऑफ अ पीस ऑफ राइटिंग. जैसे कि बेटे हम पहले ही इसको डिफाइन कर चुके हैं गुज़श्ता सवालों में कि एक प्रेसी जो है वो एक बिल्कुल वाज़े मुख्तसर और मुनज़बत किस्म की ऑर्डरली नज़्म व ज़ब्त के साथ तैयार की गई एक ख़ुलासा है किसी तहरीर का, पीस ऑफ राइटिंग किसी दी गई तहरीर का, किसी पैराग्राफ का, चलें यूं कह लें किसी पैराग्राफ का, किसी आर्टिकल का, किसी किताब का, किसी लेटर का या किसी भी तहरीर का जो है वो इंतहाई मुख्तसर, साफ़ सुथरा, वाज़े और मुनज़बत किस्म का खुलासा, समरी. ये लफ्ज़ अगरचे एम्बिगुअस है, इसको हम आगे क्लियर करेंगे कि समरी कहना यहाँ मजबूरी है कि समरी से जो है ना वो फ़ौरन बात जहन में आ जाती है कि जी किसी चीज़ का खुलासा बयान करना, मुख्तसर करना, उसको इख्तसार नवीसी करना. लेकिन बेटे ये प्रेसी राइटिंग जो है वो समरी राइटिंग से बेहद मुख्तलिफ होती है. अभी हम इसको डिफ़ाइन करने के साथ साथ आगे बढ़ते हुए इसकी तशरीह मज़ीद करेंगे. डियर स्टूडेंट्स, देन अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ दिस वेरी कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेसी, ए प्रेसी इज़ अ पैसेज दैट इज़ अ कंसंट्रेशन ऑफ आइडियाज़, ख्यालात के इर्तकाज़ को मुर्तकिज़ कर देने को, कंडेंस कर देने को, कंसंट्रेशन से मुराद है कंडेंसेशन फ्राम द ओरिजिनल पीस ऑफ राइटिंग, जो ओरिजिनल हिस्सा है उसके मुकाबले में ख्यालात को मुर्तकिज़ कर देना, घटा देना, कंडेंस कर देना, कंट्रैक्ट कर देना, कंट्रैक्शन या कंसंट्रेशन, दैट इज़ बॉयल्ड डाउन सो दैट ओनली द एसेंस ऑफ द ओरिजिनल रिमेन्स. जैसे हम किसी चीज़ को बेटे उबाल लेते हैं, ये जर्नल सा कॉन्सेप्ट है, उबाल लेते हैं ताकि उसका जो खालसपन है, एसेंस जो है, उसका निचोड़ जो है वो बाकी रह जाए. तो किसी तहरीर के निचोड़ को बाकी रखना जो है वो प्रेसी का काम है. डियर स्टूडेंट्स, द ओरिजिन ऑफ दिस वर्ड इज श्योरली लैटिन. दिस वर्ड प्रेसी हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड प्रीसाइज विच मीन्स टू एब्रिज, शॉर्टन, कॉट शॉर्ट और समराइज सम मटेरियल. बेटे ये जो प्रेसी का लफ्ज़ है ये नाउन है और ये लफ्ज़ हमारा जो है बुनियादी तौर पर प्रीसाइज वर्ब है, उसमें से ये अखज़ किया गया है, प्रीसाइज में से. तो प्रेसी, इसका आखिरी जो है ना बेटे एस जो है वो साइलेंट रहता है बोलते हुए, बाज़ बच्चे इसको मिस प्रोनाउंस भी करते हैं, प्रेसी कहेंगे, प्रीसाइज जब इसका वर्ब बोलेंगे तो फिर प्रीसाइज इख्तसार करना, मुख्तसर बनाना, छोटा करना, कट शार्ट करना. देखें ये एक लफ्ज़ अच्छा सा इस्तेमाल हुआ है यहाँ,
शॉर्टन करना, एब्रिज करना। एब्रिज के बेटे मानी होते हैं इंतहाई मुख्तसर खुलासा पेश करना, इंतहाई मुख्तसर। जोर सारे का सारा इंतहाई मुख्तसर पर है। तो किसी दिए गए मटेरियल को कट शार्ट करके, शॉर्टन करके, एब्रिज करके, उसको इंतहाई इख्तसार के साथ पेश करने का नाम जो है वो प्रेसी राइटिंग है। Dear students, Prezi is a very useful technique in practical life. Although it seems a bit difficult in the beginning to understand and to shun off the shyness of writing, but it is a very, very good and very, very useful communication skill that should be learned. Isse seekhna chahiye bete. और ये अमली ज़िंदगी में हमें बहुत काम देती है। इम्तहान में भी ज़ाहिर है इसने अभी हमें सताना है, मतलब काम देना है, तो सीखनी तो पड़ेगी। तो शुरू में इसका फॉर्मेट जो होता है वो तकलीफ़ देह हद तक जो है वो मुश्किल लगता है, लेकिन जैसे जैसे आप इसको सीख जाते हैं तो इट मेक्स यू फील बेटर विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो बेटे इसके जो फ़वाद हैं वो बेशुमार हैं। आप कोई न्यूज़पेपर आर्टिकल पढ़ रहे हैं, लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, कोई लेटर है, बिजनेस लेटर है, या कोई लेक्चर आपने उस्ताद मोहतरम का जो है वो सामने रखा हुआ है, पढ़ रहे हैं, तो आप बेटे उनको मुख्तसर करना चाहते हैं तो प्रेसी विल हेल्प यू। तो इट इज़ अ प्रैक्टिकल हेल्पर फॉर अ राइटर। तो ये एक बर्ड्स आई व्यू में आप उसका जो थीम होता है, उसकी जो जिस्ट होती है तहरीर की, वो आपके सामने आ जाती है। डियर स्टूडेंट्स, बिफोर एंटरिंग इनटू द वेरी ब्रीफ स्टेप्स ऑफ प्रेसी मेकिंग, लेट्स मेक इट क्लियर दैट अ प्रेसी इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम अ समरी। रिमेंबर माय डियर चिल्ड्रन, बेटे ये जो समरी होती है वो पूरे किसी मटेरियल के मुकम्मल जो उसके अंदर मंदरजात हैं उनको मुख्तसर करके पेश करने का नाम है। मुकम्मल मंदरजात, पूरे वाक्यात बयान किए जाते हैं, लेकिन अपने लफ्ज़ों में उसको हम समरी कह देते हैं। जैसे आप किसी नज़म की जब आप समरी लिखते हैं तो उसमें कोशिश की जाती है कि शायर के ख्यालात के अलावा आपके अपने ख्यालात जो हैं उनको भी जो है वो साथ शामिल किया जाए। जबकि दूसरी तरफ बेटे जो प्रेसी है, इसमें ख्यालात जो हैं वो लिखने वाले ही के रहेंगे, लेकिन आप उसका जो मरकज़ी ख्याल होगा पूरे पैराग्राफ का या पोएम का या जो आपके पास पढ़ने के लिए मटेरियल आया हुआ है प्रेसी लिखने के लिए, तो उसका जो मरकज़ी ख्याल होगा बेटे वो आपने अपने लफ्ज़ों में बयान करना है। ख्याल राइटर का रहेगा, लफ्ज़ आपके अपने होंगे। यू हैव टू राइट द थाट कंटेंट ऑफ द राइटर इन योर ओन वर्ड्स, दिस इज़ कॉल्ड प्रेसी। तो ये समरी से इस लिहाज से पहले नंबर पर मुख्तलिफ है कि यहाँ जो है बेटे जब समरी करते हैं तो वो लेंथ में बहुत लंबी होती है। ऑलमोस्ट बाज़ औक़ात अगर एक आर्टिकल जिसकी आप समरी लिख रहे हैं वो एक पेज का है, तो समरी लिखते लिखते आप उसको डेढ़ दो पेज का बना दें तो भी कोई हर्ज नहीं होता, तो उसे दुरुस्त मान लिया जाता है कि ये भी बच्चे ने ख्याल जो थे ना दूसरे किसी के उनको पेश कर दिया है। लेकिन प्रेसी के अंदर लेंथ बहुत काउंट करती है। वो जो फ़र्ज़ करें एक पैराग्राफ आपको जो है वो दिया गया है वो 100 अल्फाज पर मुश्तमिल है, तो आपकी जो प्रेसी होगी वो 1/3 होगी, ऑलमोस्ट 30-35 अल्फाज पर मुश्तमिल होना चाहिए। मतलब उसके जो मेन पॉइंट्स हैं, की पॉइंट्स हैं, सिर्फ वो लिए जाएंगे
और उनको अपने लफ्ज़ों में ढाल कर जो है अपने लफ्ज़ों में ढाला जाएगा। ख्यालात राइटर ही के रहेंगे, अपने लफ्ज़ों में ढाल कर नए स्ट्रक्चर के साथ नए अल्फाज के साथ उनको पेश कर दिया जाएगा। तो ये इसको हम प्रेसी राइटिंग कहते हैं। ये प्रेसी और समरी में बुनियादी फ़र्क है कि समरी लेंथी भी हो सकती है और इसमें जो है वो हम हवाले भी देते हैं, वाक़यात के तसलसल का भी लिहाज रखते हैं, बड़ा कुछ करते हैं, तो पूरी सोचों को खोल खोल कर बयान किया जाता है। लेकिन प्रेसी में इंतहाई इख्तसार का दामन हाथ से नहीं जाने देते हैं, इंतहाई मुख्तसर अंदाज में जो की पॉइंट्स हैं उनको एक जगह जमा करके अपने अल्फाज में बयान कर देने का नाम प्रेसी है। तो आइए देखते हैं कि हम कौन कौन से जो है वो बुनियादी काम हैं जो हमें प्रेसी बनाते हुए जो है वो उनका ध्यान रखना चाहिए। यहाँ मैंने इंतहाई मुख्तसर अंदाज में समझाने की कोशिश की है बेटे, कि मैं इसको कोशिश करूँगा कि अब अंग्रेज़ी की बजाय अब उर्दू ही में आपको सारे जो है मैंने बात बताऊँ। देखें, जो पहला स्टेप है करने का बेटे, वो ये याद रखना है कि आपकी जो प्रेसी है उसको आपके ओरिजिनल पैराग्राफ का 1/3 होना चाहिए, द वेरी फर्स्ट पॉइंट। ये साथ बेहतर है कि आप अपनी नोटबुक पर लिखते जाएं, साथ साथ आपको समझ आती जाएगी। स्टेप 1 जो आपको रिमेंबर होना चाहिए, याद रखना चाहिए, दिल में उतार लेना चाहिए कि आपकी जो प्रेसी है इट मींस द 1/3 लेंथ ऑफ द ओरिजिनल पैराग्राफ। सेकंडली, दूसरा स्टेप यहीं इसको अगर आप जांचना चाहें तो देखें, दूसरा स्टेप इंतहाई अहम होता है, इसको आप रीडिंग कहते हैं। जब आपके सामने एक मटेरियल आ जाए, एक पैराग्राफ आ जाए प्रेसी बनाने के लिए, तो उसको कम अज़ कम 2 से 3 मरतबा पढ़ना चाहिए, एक बार रीडिंग नहीं करनी चाहिए। एक बार से वो आइडिया क्लियर नहीं होता, मेन पॉइंट्स ढूंढने में दुश्वारी पेश आती है, तो हमें कम अज़ कम एक दिए गए पैराग्राफ को 2 से 3 बार पढ़ने की ज़रूरत होती है। पहले तेज़ी से पढ़ दें, एक बार पढ़कर गुजर जाएं, उसके बाद जब आप दूसरी रीडिंग की तरफ आएं तो अहम जो आपके जुमले हैं जिनको हमने मेन पॉइंट्स कहा है, अब यहाँ आप ऐसे कीजिए, स्टेप 2 के बाद स्टेप 3 लिखें। देखें, स्टेप 1 यूँ रखें, यहाँ की तरतीब पर नज़र न रखें, अब अपनी तरतीब बनाएं, शाबाश, ज़हनी तौर पर भी और अपनी कापी पर भी। स्टेप 1, रिमेंबर दैट प्रेसी इज़ 1/3 ऑफ द लेंथ ऑफ द ओरिजिनल पैराग्राफ। स्टेप 2, यू हैव टू रीड द पैराग्राफ एट लीस्ट थ्राइस, कम अज़ कम 3 बार जो है वो पैराग्राफ को पढ़ें। स्टेप 3, अंडरलाइन द मेन पॉइंट्स और द मेन आइडियाज और हाईलाइटेड आइडियाज यू थिंक दैट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। जो मेन पॉइंट्स हैं बेटे पैराग्राफ के, जो आप समझते हैं कि अहम फिक्रे हैं, अहम फिक्रों को अंडरलाइन कर लीजिए, इनको हम की सेंटेंसेस कहते हैं। अंडरलाइन करने के बाद आप बेटे जो तीसरी रीडिंग है, ये दूसरी रीडिंग के दौरान अंडरलाइन कीजिए। तीसरी रीडिंग में अगर कोई पैराग्राफ के अंदर ऐसे अल्फाज हैं जो आपको मुश्किल नज़र आते हैं, इसको आप स्टेप 4 कहें तो बेहतर है, नीचे लिख लें, अंडरलाइन, नाउ अंडरलाइन डिफ़िकल्ट वर्ड्स। अब जो मुश्किल अल्फाज हैं उनको अंडरलाइन कीजिए। तो ये बेटे इस तरह से आपके जो हैं वो 4 बुनियादी स्टेप्स हैं जो रीडिंग ही से मुतल्लिक हैं। और पहला स्टेप जो है वो तो याद रखने का है वैसे ही। देखिए, मैं दोहराए देता हूँ ताकि ये कॉन्सेप्ट जो है वो पूरी तरह आपके जहन में क्लियर हो जाए। इस लेसन को बहुत ध्यान से तवज्जे से सुनिए और अपनी याददाश्त का हिस्सा बनाने की कोशिश करें, तहरीर भी करते जाएं। स्टेप 1 इन प्रेसी राइटिंग इज़ टू रिमेंबर दैट अ गुड प्रेसी इज़ 1/3 ऑफ द लेंथ ऑफ द ओरिजिनल पैराग्राफ, द गिवन पैराग्राफ, द गिवन मटीरियल इन द एग्जामिनेशन। स्टेप 2 स्टार्ट्स विद द रीडिंग। स्टेप 2 मीन्स दैट यू शुड रीड द पैराग्राफ एट लीस्ट थ्राइस, कम अज़ कम 3 मरतबा एक पैराग्राफ को पढ़ें। स्टेप 3, फर्स्ट रीड क्विकली विदाउट स्टॉपिंग, क्विकली गो थ्रू द पैराग्राफ विदाउट स्टॉपिंग, विदाउट डूइंग एनीथिंग। देन स्टेप 4 शुड बी दैट यू शुड अंडरलाइन द की सेंटेंसेस, वाट एवर द आइडिया हैज़ बिकम इन योर माइंड अबाउट द पैराग्राफ, कि ये पैराग्राफ इस चीज़ के बारे में है, तो अब आप जो अहम की सेंटेंसेस हैं, आपके मेन पॉइंट्स हैं, उनको अंडरलाइन करें। फिर स्टेप 4 के बाद स्टेप 5 होगा कि आप वो जो मुश्किल अल्फाज हैं बेटे
ये रीडिंग कर रहे हैं आप, रीडिंग का बारे में अब आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि हाउ टू रीड, बहुत कुछ इसके बारे में पढ़ चुके हैं, रीडिंग क्या होती है, कैसे की जाती है। तो अब आप मुश्किल अल्फाज को जो है वो अंडरलाइन करेंगे और फिर इसके बाद जो है वो हम अगले स्टेप्स की तरफ रुख करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, देर आर मैनी मैथड्स ऑफ नाउ गोइंग इन टू राइटिंग प्रेसी। बेटे, प्रेसी लिखना शुरू करने के बहुत से तरीके हैं। एक तो जो आसान तरीका है जो बच्चों को अमूमन शुरू में अडॉप्ट करने की ज़रूरत होती है वो ये होती है कि जो आपने की सेंटेंसेस निकाले हैं, मुश्किल अल्फाज को आपने समझ लिया है, कैसे समझा है भला, कंटेक्स्ट के एतबार से, उनके आगे पीछे जो जुमले हैं उसको समझकर आपने वो तकरीबन मानी का अंदाज़ा कर लिया है कि ये भाई मुश्किल लफ्ज़ जो था इसके मानी तकरीबन ये हैं। तो अब इसके बाद आप क्या करेंगे, अब आप लिखना शुरू करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आप वो जो आपके की पॉइंट्स आपने निकाले हुए हैं उनको नीचे अपनी आंसर बुक पर जो है वो तहरीर कर लें। इसको आप अपना स्टेप 5 रखें, नोट ऑल द की सेंटेंसेस ऑन योर नोटबुक, नोट ऑल द की सेंटेंसेस विच यू हैव पिन पॉइंटेड हाईलाइटेड विद योर मार्कर और विद योर पेंसिल। जब आपने बेटे वो पैराग्राफ में जो अहम फिक्रों पर निशान लगाए हैं आप उनको अपनी कॉपी पर लिखेंगे बाकायदा, वरना आपसे प्रेसी नहीं बन पाएगी। अब आपने लिख लिए, अब आप क्या करेंगे, जो बुनियादी तरीका है देखें जो शुरू में अपनाने की ज़रूरत होती है वो ये है कि अब एक एक जुमला लेकर वन बाई वन उनको शॉर्टन करें। यहाँ लफ्ज़ मैंने यूज़ किया है कंडेंसिंग, सेंटेंस कंडेंसिंग, कंसंट्रेट करना उसको, जुमले को कॉन्ट्रैक्ट करना, कॉन्ट्रैक्ट लफ्ज़ है एक, कॉन्ट्रैक्शन सुकेड़ देना, कंडेंस के भी वही मानी है। तो बेटे जुमले को अब आपने सुकेड़ना है, कैसे सुकेड़ते हैं, उसमें से गैर ज़रूरी चीज़ें पहले तो निकालेंगे, गैर ज़रूरी चीज़ें आपको खुद ब खुद पहचान होना शुरू हो जाएगी जैसे जैसे आप मुख्तलिफ़ पैराग्राफ्स को पढ़ेंगे। देखें उसमें डेफिनेशंस आती हैं वो निकाल दी जाती हैं, फिर गैर ज़रूरी अल्फाज होते हैं बहुत से वो निकाल दिए जाते हैं, बाज़ औक़ात रेपिटेशंस होती हैं, तकरार उसे कहते हैं, उनको निकाल दिया जाता है, फिर बाज़ औक़ात डिस्क्रिप्शंस होती हैं बहुत सी, उनको निकाल दिया जाता है। एक एक जुमला छोटा करने का, मुख्तसर करने का एडवांटेज ये मिलता है कि हमारी जो झिझक है लिखने की वो दूर हो जाती है। इसके बाद जो है ना फिर हम उसको एक जगह इकट्ठा करके एक पैराग्राफ की शक्ल में लिख देते हैं एंड इट बिकम्स अवर प्रेसी। तो ये इतना सादा सा काम है, लेकिन लगता नहीं है इतना सादा, लेकिन जब बेटे आपको ये महारत हासिल हो जाए कि जुमलों को मुख्तसर कैसे करते हैं, छोटा कैसे बनाते हैं, उनके मफहूम को मुतासर किए बगैर अपने लफ्ज़ों में कैसे बयान करते हैं, तो फिर हमें कोशिश करनी चाहिए कि वो जो की पॉइंट्स हमने निकाले हैं उन सब का मफहूम समझ कर उनको अपने लफ्ज़ों में बयान करने की कोशिश करें, जुमलों के हिसाब से छोटा ना करें, अच्छी प्रेसी तब बनेगी। बहरहाल पहली कावश ये होगी कि अब आपने वो जो जुमले नीचे लिख लिए हैं अपनी कॉपी पर की सेंटेंसेस की शक्ल में, उनको एक एक करके कट शार्ट करें। उसमें ये 5-6 चीज़ें हैं, छोटी छोटी नुक्ते हैं जो यहाँ एलेबोरेट किए गए हैं। देखिए यहाँ एक मिसाल दी गई है कि डिस्क्रिप्शन को कैसे एक जुमले में से निकाला जाता है। देर इज़ नो आइकन इन कनेडियन बिजनेस मोर यूनिवर्सली रेवरेंड देन टिम हॉर्टन्स। ये एक बिजनेसमैन है, उनके बारे में एक जुमला है। तो अब आप गौर करें तो इसमें 3-5 तरह से आप इस जुमले को जो है वो जितनी मर्ज़ी इसको कंडेंस कर सकते हैं। देखें यहाँ 2-3 इसमें जो है ना मेन चीज़ें हैं, एक तो उसका आइकन होना यानी सेलिब्रिटी होना, दूसरा कनेडियन होना, तीसरा जो है वो रेवरेंड होना, उसका बहुत काबिल इज़्ज़त होना, और तीसरा उसका चौथा जो है वो उसका नाम। तो अगर आप जुमले को कंडेंस करना शुरू करें तो देयर इज़ फालतू लफ्ज़ है, ज़रूरत नहीं है, बिजनेस भी फालतू है। तो आप क्यों फालतू है भाई, टिम हॉर्टन्स वैसे ही मरूफ उनका बिजनेसमैन है तो पता है सबको, तो लिहाजा बिज़नेस के बारे में बताना ज़रूरी नहीं है। तो अगर आप इधर से शुरू करें, टिम हॉर्टन्स इज़ ए रेवरेंड कनेडियन आइकन, तो दैट्स ओके। अगर आपको आइकन के मानी समझ आ गए हैं वहाँ से तो इसको अपने लफ्ज़ों में बदल दें, वरना ज़रूरी नहीं है, यही रख लें। टिम हॉर्टन्स इज़ ए रेवरेंड कनेडियन पर्सनैलिटी, कनेडियन पर्सन। अच्छा, इससे भी छोटा किया जा सकता है, देखें आइकन को भी निकाला जा सकता है। अगर आप ये कह दें टिम हॉर्टन्स
is a revered Canadian. तो that's okay. आइकन को वैसे फ़र्क किया जा सकता है, इसको डिस्क्रिप्शन कहा जा सकता है कि इसकी ज़रूरत ही बाकी नहीं रहती है। इसी तरह बेटे हम इसको चार पांच और तरह से भी जो है वो मुख्तसर कर सकते हैं। जैसे देखिए एक और तरह से इसको इसने मुख्तसर किया है, टिम हॉर्टन्स इज़ एन आइकन इन कनाडा। तो कनाडा के अंदर टिम हॉर्टन्स जो है वो एक आइकन की हैसियत रखता है। तो जो पहले के मुकाबले में और भी मुख्तसर हो गया है यह जुमला। इसमें से देखें रेवरेड निकाल दिया है, तो कोई ज़रूरी नहीं है क्योंकि रेवरेड और आइकन के मानी तकरीबन मिलते जुलते हैं। तो इसको कहते हैं जुमले के अंदर सिमिलैरिटीज़ तलाश करना और डिस्क्रिप्शंस को निकालते चले जाना, सिमिलैरिटीज़ को निकालते चले जाना। जैसे इसकी और भी बहुत सी मिसालें हैं, जैसे देखिए एक ज़ुबानी एक मैं जुमला छोटा सा आपकी सहूलत के लिए, अली इज़ अ ब्रेव एंड बोल्ड बॉय। देखें ब्रेव एंड बोल्ड बॉय, अब देखें बेटे ब्रेव और बोल्ड दोनों एक ही मानी रखते हैं। इसको हम कहेंगे डिस्क्रिप्शन या सिनोनिम, सिमिलर मानी। तो हम इसको मुख्तसर करने के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, एक ही लफ्ज़ अली इज़ अ ब्रेव बॉय, दैट्स ओके। अच्छा इससे भी मुख्तसर हो सकता है क्योंकि अली ज़ाहर कर रहा है कि नाम है किसी मेल का, तो बॉय कहना ज़रूरी नहीं है, अली इज़ ब्रेव, दैट्स ओके। इसको प्रेसी कहते हैं, यानी जिस हद तक मुमकिन हो आइडिया क्लियर रहे, आइडिया पर हरफ ना आए, ख्याल तसव्वुर वाज़े हो और जुमला जो है वो इंतहाई इख्तसार के साथ पेश कर दिया जाए, इसका नाम प्रेसी है। डियर स्टूडेंट्स, व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग दिस टाइप ऑफ स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, राइटिंग स्किल एट होम विद योर ओन हेल्प, यू मे टेक द हेल्प ऑफ अ डिक्शनरी, दैट इज़ ए गुड थिंग। शुरू में बेटे आगाज़ करने के लिए अगर आप लफ्ज़ों के मानी डिक्शनरी से तलाश करके खुद से अपनी मदद आपके तहत प्रेसी बनाने की कोशिश करें तो बहुत जल्द सीख जाते हैं। तो कोई हर्ज नहीं है इम्तहान आने से पहले पहले एक दो पैराग्राफ लेकर खुद से जो है वो उनको घर पर डिक्शनरी की मदद से जो है वो मुख्तसर करने की कोशिश करें। इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल टू यू पीपल इंशाल्लाह। तो लेकिन इम्तहान में तो ज़ाहिर है उन्होंने हमें डिक्शनरी इस्तेमाल नहीं करना देनी है, वहाँ हमें कॉन्टेक्स्ट के अतबार से मानी समझ कर जो है वो पैराग्राफ को मुख्तसर करने की कोशिश करना है। डियर स्टूडेंट्स, द मेन स्ट्रेस ऑफ आवर कन्वर्सेशन टूडे इज टू कंप्रेस द सेंटेंसेस। मैंने अब एक नया लफ्ज़ आपके लिए इस्तेमाल किया है, कंप्रेशन। जैसे कंप्रेसर में हम गैस को देख के कंप्रेस करते हैं तो ठंडक आती है, तो और भी कई चीज़ों को कंप्रेस किया जाता है, दबाया जाता है। तो बेटे इसी तरह से जो है ये जुमलों को कंप्रेस करके कंसाइजली पेश करने का नाम प्रेसी है। इसके लिए तीन चार मुख्तलिफ मिसालें हैं जो आपको मज़ीद जो है वो क्लियर करेंगी। देखिए ये जो इंटरजेक्शंस होती हैं जिनको हम तशरीही अल्फाज कहते हैं उनको निकाल दिया जाता है। देयर वॉज वंस ए टाइम इन द डिस्टेंट पास्ट, देखें अब ये जो वंस अपॉन ए टाइम है ये इन द डिस्टेंट पास्ट उसकी डेफिनेशन है, उसको तारीफ कर रहा है। वैन आई आगे ये कुछ आगे जुमला था, तो अगर हम इसको मुख्तसर कर रहे हैं छोटा सा लिखें देयर वॉज वंस ए टाइम वैन, तो ऐसे हम कितनी आसानी से इसको मुख्तसर कर सकते हैं, या वंस अपॉन ए टाइम आई ऐसे। तो इसी तरह से ये जो अपोजिटिव्स होते हैं जैसे जेन गुडॉल ए रिमार्केबल वोमैन, इनको अपोजिटिव्स कहते हैं, तारीफी अल्फाज। सिनोनिम्स चलें यूँ कह लें और आसानी रहेगी आपको, अपोजिटिव्स ज़रा मुश्किल लग रहा है आपको, नया लफ्ज़ है। जैसे मैंने कंप्रेशन का लफ्ज़ बोला लिया आपके लिए नया था, इसी तरह बेटे अपोजिटिव्स जो है ना ये हम जिनको पॉजिटिव्स कहते हैं, किसी शख्सियत की खूबियाँ बयान करना या तशरीह करना, उसकी डिफाइन करते चले जाना, ये भी डेफिनेशन होती है एक तरह से। जैसे देखें जेन गुडॉल की आगे डेफिनेशन है रिमार्केबल वोमैन, बड़ी शानदार औरत। इज़ समवन हु शुड बिकम, इसको हम मुख्तसर कर सकते हैं, जेन गुडॉल इज़ समवन हु शुड बिकम। अब ये रिमार्केबल वोमैन होना जो है ना वो उसकी डेफिनेशन है जो आराम से डिलीटेबल है, हम उसको डिलीट कर सकते हैं, कंडेंस कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं। वेरी सॉरी जेंटल पीपल, माई थ्रोट इज़ नॉट वर्किंग वेरी वेल टूडे। इसी तरह बेटे एक और चीज़ है, ओमिट वर्ड्स दैट आर यूज्ड फॉर एम्फेसिस, ऐसे खाम खा जोर डालने के लिए
जो है वो लफ्ज़ बार बार जो दोहराए जाते हैं या उनकी तशरीह कर दी जाती है, मज़ीद तशरीह, ऐसे अल्फाज को निकाल दें जो बामानी जो फ्रेज़ है, जो जुमला है, नाउन है, बस वो इस्तेमाल में लाएं। डियर स्टूडेंट्स, एज वी हैव नोटेड दैट प्रेसी इज़ द नेम ऑफ कंप्रेशन ऑफ सेंटेंसेस, जुमलों को दबा कर मुख्तसर करने का नाम, कंसाइजली प्रेजेंट करने का नाम प्रेसी राइटिंग है। तो बेटे इसमें जो है ना एम्बेलिशमेंट्स की या ब्यूटिफिकेशन ऑफ सेंटेंसेस की कोई जगह नहीं होती है। देखें ये जो हमारे इस्तारे हैं, हमारी जो तशबीहें हैं, सिमिलीज एंड मेटाफर्स जिन्हें हम कहते हैं, इनको बेटे ये एडवर्ब्स और एडजेक्टिव्स हैं, वर्ब्स एडजेक्टिव्स हैं, एडजेक्टिव्स जिन्हें हम कहते हैं, एडजेक्टिव आपकी लैंग्वेज में कोई बात नहीं, आप फिलहाल एडजेक्टिव ही कहते रहें, एडवर्ब्स, एडवर्ब्स और एडजेक्टिव्स, इसी तरह सिमिलीज और मेटाफर्स, दे शुड बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द प्रेसी। क्यों? ये एम्बेलिशमेंट्स हैं या तहरीर को खूबसूरत बनाने वाले अल्फाज हैं जिनकी ज़रूरत नहीं होती। देखिए प्रेसी का मतलब ये है, देखिए अब मैं एक छोटा सा जुमला बोलता हूँ आगे बढ़ने से पहले, रिमेंबर प्लीज़, द आर्मी फॉट वैलियंटली। अब प्रेसी क्या कहती है? प्रेसी कहती है कि ये जो वैलियंटली है ना दलेरी के साथ, इसकी ज़रूरत नहीं है। मफहूम कहाँ पूरा हो गया है? द आर्मी फॉट, बस। तो बेटे ये जो है ना आगे वैलियंटली जो उसको हमने एडवर्ब जोड़ा है साथ उसकी मज़ीद तशरीह करने के लिए, उसको निकाला जा सकता है, हम इतना ही कहेंगे द आर्मी फॉट, बस। द आर्मी फॉट वैलियंटली एट द फ्रंट्स, तो हम क्या कहेंगे? द आर्मी फॉट एट द फ्रंट्स, बस। वो वैलियंटली साहब जो है ना वो क्या है, इसको हम कहते हैं एम्बेलिशमेंट्स और ब्यूटिफिकेशन ऑफ द लैंग्वेज। दीज ब्यूटिफिकेशंस और द वर्ड्स दैट आर जस्ट यूज्ड फॉर ब्यूटिफिकेशन ऑफ राइटिंग should be deleted and compressed to the greatest extent, इनको निकाल दें। जैसे देखिए यहाँ दो तीन मिसालें हैं, ज़्यादा नहीं हैं, जैसे देखें सिमिली और मेटाफर कैसे निकालते हैं। हर थाट्स इन द मॉर्निंग आर एज टेंगल्ड एज हर हेयर, देखें उसकी सुबह सवेरे जो सोचें हैं ना वो उतनी ही उलझी हुई होती हैं जैसे कि उतने उसके सुबह सवेरे बाल, ज़ाहिर है सोकर उठेंगे तो बाल तो उलझे हुए होंगे ना, इसी तरह सोचें उलझी हुई हैं। तो अगर हम इसको सीधा बयान करें, देखें वो सिंपली निकाल दें जो उसने यूज़ की है, तो हर मॉर्निंग थॉट्स आर टेंगल्ड, चले हमें टेंगल्ड के अगर मानी आते हैं तो फिर हम कह देंगे इनकोहेरेंट, ठीक है, यानी वो बेरब्त होती हैं, टेंगल्ड उलझी हुई होती हैं। तो देखें यहाँ लफ्ज़ चेंज किया गया है ताकि आपको पता चले कि प्रेसी में अपने लफ्ज़ इस्तेमाल करने हैं, लेकिन अगर आप टेंगल्ड भी यूज़ कर देंगे तो दैट्स ओके फाइन, क्यों आपने उसे मुख्तसर करने में कामयाब हो गए हैं। लेकिन ये देखिए गौर कीजिएगा, ये अपने जुमले का मफहूम पकड़ कर मफहूम के मुताबिक उसको मुख्तसर किया है। देखिए अगर आप इसको वैसे करते, छोटा करना शुरू करते जैसे आप पीछे करते आ रहे हैं इब्तदाई तौर पर, तो फिर ये यूं होता, हर थाट्स इन द मॉर्निंग आर टेंगल्ड, ऐसे होना चाहिए था। लेकिन हमने जुमले के मफहूम को पकड़ा कि भई उसकी जो सुबह की सोचें हैं ना वो उलझी हुई होती हैं, हर मॉर्निंग थाट्स, देखिए हमने हर थाट्स इन द मॉर्निंग को क्या कह दिया, फ्रेज़ बना ली उसकी। ये भी एक तरीका होता है कि हम लंबे लंबे जो हमारे क्लाजेज हैं उनको हम फ्रेजेज में बदल लेते हैं। जैसे देखिए ये उनके वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स यूज़ किए जाते हैं, इनको क्या कहते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स, एक लफ्ज़ जो है वो काफ़ी सारे लंबे चौड़े अल्फाज का जो है वो एक ही लफ्ज़ उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। चलें छठी जमात की एक छोटी सी मिसाल आपका ज़रा जहन क्लियर करने के लिए यहाँ आ गई है, देखें, वी सॉ ए मैन प्लोइंग इन द फील्ड्स। अच्छा वो प्लोइंग इन द फील्ड्स कौन बंदा करता है? फार्मर, वी सॉ ए फार्मर, बस दैट्स ऑल, ए मैन प्लोइंग इन द फील्ड्स की ज़रूरत ही नहीं है। तो बेटे ये इस तरह से हम जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स को भी इस्तेमाल करते हैं
सिमिलीज़ को हटाने के लिए, मेटाफर्स को हटाने के लिए। जैसे देखिए एक और यहाँ मिसाल छोटी सी है, ही बर्स्ट आउट ऑफ द डोर लाइक एन एक्सप्लोजन, वो धमाके की तरह, देखें ये क्या है, मेटाफर है कि वो धमाके की तरह जो है वो दरवाजे से बाहर निकला। ही बर्स्ट आउट ऑफ द डोर, बस दैट्स ऑल, ही बर्स्ट आउट ऑफ द डोर, ही थ्रैश्ड आउट ऑफ द डोर। अगर बर्स्ट के आपको मानी आते हैं तो आप इसके लिए जो है वो ऐसे कोई और कर देते। ये इनको बेटे हम कहते हैं कि ये जो है वो, देखिए आगे इस एंड पर जो है आखिरी लाइन पर नज़र दौड़ाएं ज़रा तो आपको एक और अच्छी मिसाल मिलेगी। सो ए डॉग विद वन आई जो है इसको हम कहेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूट बनाना या फ्रेज़ तैयार करना। देखें एक ऐसा डॉग जिसकी सिर्फ एक आँख हो उसको हम क्या कह सकते हैं, ए वन आइड डॉग, ठीक है। अब इसको हम क्या कहेंगे कि ये हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूट बन गया है, डॉग विद वन आई, ए वन आइड डॉग। मुख्तसर भी हो गया थोड़ा सा, इतना लंबा तो नहीं हुआ, लेकिन ये एक लफ्ज़ काउंट होगा। क्यों? क्योंकि ये अब एक आपने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो है वो कर लिया है। डियर स्टूडेंट्स, ए समरी ऑफ आवर डिस्कशन सो फार हैज़ बिन गिवन हियर फॉर योर रिकैपिचुलेशन। बेटे यहाँ जो है वो मुख्तसर अंदाज में जो है वो जो बातें अब तक हमने की हैं प्रेसी राइटिंग के सिलसिले में, उनको इख्तसार के साथ, यहाँ कुछ फालतू चीज़ें भी आपको दिखाई देंगी, डू नॉट टच देम, जस्ट गो थ्रू देम, बिल्कुल बस नज़र दौड़ा लीजिएगा। जो मेन बातें हैं वो आपके पीछे हमने सारी जो है वो शुरू में वो डिबेट हो गई हैं। डियर स्टूडेंट्स, द एसेंस ऑफ टूडेज डिस्कशन इज दैट प्रेसी राइटिंग इन्वॉल्व्स पैराफ्रेजिंग एज वेल। बेटे जो पैराफ्रेजिंग में हमने सीखा ना, जुमलों को अपने लफ्ज़ों में बदलने का तरीका, ये प्रेसी राइटिंग में बहुत ममिदो मुआविन होता है। स्टडी ईच पैराग्राफ, रीड इट टू अंडरस्टैंड द मेन पॉइंट्स, देन समराइज द मेन पॉइंट्स इन योर ओन वर्ड्स। दिस इज कॉल्ड द कंप्रेशन, द कंसंट्रेशन, द कंसाइजनेस ऑफ द गिवन पैराग्राफ एंड वी कॉल इट अ प्रेसी। रिमेंबर माई डियर स्टूडेंट्स दैट अ प्रेसी रीटेल्स द हाईलाइट्स ऑफ द पैराग्राफ, सो ए रीडर विल नो द मेन सेक्शंस ऑफ द ओरिजिनल टेक्स्ट। राइटिंग ए प्रेसी मीन्स प्रेसी इज अ क्लियर कंसाइज ऑर्डरली समरी ऑफ द कंटेंट्स ऑफ ए पीस ऑफ राइटिंग एज वी हैव ऑलरेडी डिफाइंड इन द अर्लियर स्टेजेस ऑफ आवर डिस्कशन टूडे। My dear students, as Prasi is very brief, very very brief, and it curtails the essential details, it has got only the essential details, therefore these details should be correct and accurate, no superfluous information should be included, this is the spirit of Prasi. बेटे प्रेसी में क्योंकि आप सिर्फ लाजमी तफसील जो हैं वो शामिल करते हैं जिनको आपने मेन पॉइंट्स कहा है, तो लिहाजा ये जो हैं वो दुरुस्त होने चाहिए, अकोरेट होने चाहिए, और परफेक्शन लाने की इनमें कोशिश की जानी चाहिए। इररेलीवेंट मटेरियल इसमें इंक्लूड नहीं होना चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, ए प्रेसी मस्ट बी एन ओरिजिनल पीस ऑफ राइटिंग ऑफ योर ओन, in your own words. You write a pressy in your own words, not in the words of the given paragraph. You take the thought content from the paragraph, but you convert it, you summarize it, you compress it in your own words. That is almost one third length of the original paragraph. Ye takriban uske ek bada teen hissa hoti hai. Agar 100 alfaz hain jaise maine pehle bataya तो बेटे ये 30 से 35 अल्फाज 38 हो जाएं तो फिर भी गुंजाइश निकल आती है। तो थॉट कंटेंट जो है वो कंडेंस हो लेकिन ज़ाया ना हो, ख्यालात जो हैं वो मौजूद रहें, रिदम हो उसमें, ऑर्डरली हो, वो नज़्म ज़ब्त के साथ जो है उसे पेश किया जाएगा।
dear students, thank you very much for listening to today's discussion very patiently. See you soon in our next meeting. Till then, it is Allah Hafiz and goodbye. Thank you very much again.